आपको बता दें नॉर्थ इजराइल में एयर रेड अलर्ट को लेकर अभी फिलहाल खबर सामने आई है, जहां ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइफा, गलीली, गोलान हाइट्स, साफिद, वादी कार्मेल। क्या ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव है, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्ला के बड़े हमले का अलर्ट भी जान लीजिए, क्योंकि इजराइल के 6 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमले की आशंका है और हाइफा और गलीली में हिजबुल्ला के हमलों का अलर्ट लगातार सामने आ रहा है। साथ ही गोलान हाइट्स, साफिद, वादी कार्मेल में भी रॉकेट अटैक की आशंका है। इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ लेबनन से हिजबुल्ला रॉकेट और ड्रोन भी दाग सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, नेतन्याहू के शहर पर फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ये केसारिया में हिजबुल्ला का रॉकेट अटैक है। केसारिया में ही हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजे हैं। IDF तो दावा ये कर रही है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एक और लोकेशन, केसारिया, वो जगह जहां पर देखिए किस तरीके से नेतन्याहू के शहर पर ही सीधे हमलों को अंजाम देने में हिजबुल्ला कामयाब रहा है। और ये हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक को लेकर खबर है, जहां केसारिया में ही लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन भी गूंज रहे हैं। हालांकि IDF दावा तो यही कर रहा है कि वो हमलों को नाकाम करने कोशिश में तो है, लेकिन नेतन्याहू के शहर केसारिया को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर खबर और ये तस्वीर आपके सामने, जहां 25 अक्टूबर की तारीख हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक की ये तस्वीर, इससे पहले 20 अक्टूबर नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक, ये मुमकिन कैसे हो पाया? इतना हाई प्रोफाइल एरिया होने के बावजूद सीधा नेतन्याहू के घर पर अटैक को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल था। और उससे पहले 4 अक्टूबर जब हिजबुल्ला का मिसाइल अटैक भी हुआ, हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं, उससे पहले अब जानिए कैसे लेबनन में भी इजरायली सेना को भारी नुकसान को लेकर खबर आ रही है और लेबनन में 70 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। लेबनन में ही 600 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं और लेबनन में IDF के ग्राउंड ऑपरेशन फेल बताए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्ला का इजरायली सेना को तबाह करने का ये दावा सामने आ रहा है, इस दावे के तहत लेबनन में किस तरीके से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि यहां जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, अब ग्राउंड ऑपरेशन में ही इजराइल के 70 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान 600 इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तो एक तरफ जहां 70 सैनिकों की मौत की खबर है, वहीं 600 सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान ही यह खबर है कि इजरायल के 28 मरकबा टैंक को भी तबाह कर दिया गया है, 4 मिलिट्री बुलडोजर, कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशंस में अब तक IDF को कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और 1 अक्टूबर को IDF ने लेबनन में जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत की थी, उसके बाद इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा था पिनाक सर, ये माना जा रहा था कि स्ट्रेटेजिकल मूव के तहत ही सीधे लेबनन में अलग अलग फ्रंट से बढ़ते हुए बेरूत तक हमलों को अंजाम देते हुए ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर साबित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब तो हकीकत ये सामने आ रही है कि इन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस में खास तौर पर सैनिकों की मौत की खबर, जहां इजराइल को उसी की इजराइल को लेबनन के फ्रंट पर ही बड़ी मात देने का दावा कर रहा है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला तो ये दिखा रहा है कि वो लड़ाई करने के अभी भी काबिल हैं। जितना भी IDF ने उनके ऊपर हमला चलाया, ये वही सिचुएशन है, सिमिलर है थोड़ा बहुत, जहां गाजा में हमास भी लड़ाई कर रहा है, अभी भी जारी है, दिखाने के लिए कि आप हमें खत्म नहीं कर सकते। इजराइल को यही मैसेज है और उधर वो एक्सपैंड कर रहे हैं रॉकेट अटैक्स। देखिए, मैं इजराइल में रह चुका हूं, मेरे जमाने में भी तब रॉकेट अटैक्स हुए थे एंड वो छुटपुट ये चलता रहता था, पर खैर ये अभी एक दूसरा माहौल है और अभी रॉकेट अटैक्स वो एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका मतलब है IDF का जो कैंपेन है लेबनान में वो पूरा सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि और होना भी मुश्किल है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में ये सब छुपा के रखते हैं, किसी बिल्डिंग में कहीं छुपा लिया, कहीं से छुपा लिया और फिर इसको मूव कर लिया। ये सब ये मोबाइल रॉकेट्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक सिचुएशन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिजबुल्ला को तो रॉकेट दिया जा रहा है, उनके पास काफी खजाना है रॉकेट का, तो वो तो मारते रहेंगे कि जब तक इसराइल उन पे मतलब आक्रमण करता रहेगा तो वो भी मारते रहेंगे।
तो ये अभी सिचुएशन है, नाइदर साइड इज गोइंग टू विन, दैट इज द पॉइंट। और खास तौर पर आपने जो गाजा का जिक्र किया उसमें भी यही देखने को मिला है कि आखिर किस तरीके से अटैक और काउंटर अटैक्स को अंजाम दिया गया। लेकिन अब रेड सी से इजराइल पर ड्रोन अटैक को लेकर भी एक खबर है, जहां इराकी रेजिस्टेंस का इजराइल पर ये ड्रोन हमला है और हवा में ही तबाह किए गए इराकी ड्रोन को लेकर खबर है। ईलात के नजदीक ड्रोन का मलबा भी गिरा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेड सी से इजराइल पर उस ड्रोन अटैक की, जहां इसराइल पर ये ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है सीधे रेड सी से। लेकिन अब हुथी की मदद कर रहा है रूस, ये एक और बड़ी खबर। रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है ये दावा, क्या है, रूसी सैटेलाइट की मदद से हुथी हमला कर रहा है और रेड सी में शिप पर हमले में मदद मिल रही है रूस से, रूसी मदद से कमर्शियल शिप को टारगेट कर रहा है हुथी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में रूस पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। तो हुथी जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए इस पूरे कमर्शियल रूट पर पिछले कई महीनों से शिप्स पर हमलों को अंजाम दे रहा है, उसके तहत आज ये खबर बड़ी सामने आ रही है कि हुथी को लोकेशंस रूस के जरिए मिल रही हैं और कमर्शियल शिप्स को जो टारगेट हुथी कर रहा है उसमें रूस मदद कर रहा है।